अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाने जा रहे हैं ऑमलेट, वो भी ब्रेड के साथ, जो एक हेल्दी ऑमलेट है और झटपट तैयार होने वाला ब्रेकफास्ट है। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये वेजिटेबल्स हैं जिसमें मैंने शिमला मिर्च डाली है, ये मैंने काट के रखी थी फ्रिज में जो मिक्स हो गई हैं। इसमें दो हरी मिर्च हैं और दो टेबलस्पून इसमें तकरीबन शिमला मिर्च है और दो टेबलस्पून इसमें गाजर है और दो टेबलस्पून हरी प्याज है। अगर आपने बच्चों को ये लंच में देना है नाश्ता, तो आप इसको हरी मिर्च इसमें ऐड ना करें। मैं अब ये सारी चीज़ें इसमें डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर दें। जो चीज़ आपको समझ ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप इसको जितना फेंटेंगे आपका ऑमलेट उतना ही अच्छा बनेगा। आप इसको हैंड बीटर की मदद से भी अच्छी तरह फेंट सकते हैं। दो टेबलस्पून इसमें धनिया जाएगा। सॉरी, इसको आप मिक्सर से, जो हैंड मिक्सर होता है ना, उससे मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि बीटर तो बहुत ज़्यादा इसको ख़राब कर देगा। कभी कभी इंसान भूल भी जाता है ना जब वो रेसिपी बना रहा होता है, तो प्लीज़ आप माइंड नहीं कीजिए। इसको हम करते हैं साइड पे। अब हम ब्रेड के पीस बना लेते हैं। ये ब्रेड ऑमलेट में जाएगी और इसके लिए मैंने लिए हैं दो पीस और इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और आपने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सफाई से बनानी है। ये देखें, इतने पीसेस आपने करने हैं इसके। ये बहुत झटपट तैयार होने वाला ब्रेकफास्ट है। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और आप इसको बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। ये हमने ब्रेड के पीसेस कर लिए हैं। पैन गरम हो गया है, अब हम इसको थोड़ा सा ग्रेसी कर लेंगे ऑयल से। आप इसको बटर से भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसमें ऑयल लगा लेना है ताकि हमारा जो ऑमलेट ब्रेड है वो चिपके नहीं। आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। अब हम इसमें जो मैटर बनाया था हमने, इसमें वो ऐड कर देंगे। और अपनी सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। कोई भी चीज़ आप ज़ाया नहीं कीजिए, इससे आपके खाने में बरकत होती है और इस तरह रेसिपी ज़ाया नहीं होता। अब हम इस पे
ये जो ब्रेड हमने काटी थी इसके पीसेस हम इसके ऊपर रख देंगे। ये जो ब्रेड हमने काट के रखे थे पीसेस, इसको हम इस पे लगा देंगे। हम इसको चम्मच से थोड़ा प्रेस कर देंगे। आपने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है ताकि इसकी साइड जो है एक साइड वो अच्छी तरह से पक जाए। आपने अच्छी तरह इसको ऑमलेट में मिक्स कर देना। जैसे ही ये एक साइड से पकेगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। दो से तीन मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये पक जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। पकने दो। अब हम एक प्लेट लेंगे, उससे हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए हमारे तरह से कितना खूबसूरत बना है। हम फिर इसको थोड़ा सा ग्रीसी करेंगे पैन को, और इसी तरह ही आपने इसको प्लेट की मदद से और चम्मच की मदद से इसको दोबारा पैन में। अब हम इसको दो से तीन मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो ब्रेड थी हमारी वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये बहुत हेल्दी ऑमलेट है और झटपट तैयार होने वाला ब्रेकफास्ट है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और आप अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका प्यार और मोहब्बत होती है जो हमें हौसला मिलता है, तो हम आपको नई नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आपको नई नई चीज़ें सिखाते हैं। जी अब हम इसको प्लेट की मदद से सीधा करेंगे। देखिए ब्रेड ऑमलेट रेडी हो गया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत मज़े का ऑमलेट है, और आप इसको बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और आप इसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।